अमरीका ने पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों की शदीद मुज़म्मत कर दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान को दहशत गर्दों ने बहुत नुकसान पहुँचाया। मैथ्यू मिलर का कहना है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पंजाब भर में मानसून बारिशों के बाईस दरियाओं की सूरत हाल, अगले 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। तर्जमान पीडीएमए ने कहा है कि अगले 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें हो सकती हैं। तर्जमान ने पेशगोई की है कि मानसून बारिशों का स्पेल आज रात तक जारी रहेगा। कुर्सी उठाकर मारूंगा, पीटीआई और पीपी सेनेटर्स की इजलास में तलख कलामी हो गई। हम खबर आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की इजलास में तलख कलामी हो गई। पीटीआई के दो बड़ों में लड़ाई, वजह क्या बनी? इरशाद भट्टी ने अंदर की खबर दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी से सवाल किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर के दरमियान किस बात पर इख्तलाफ है। इरशाद भट्टी ने जवाब दिया कि शायद आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अलीमा खान ने एक बयान दिया था कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो अली जफर साहब पूरे प्रोटोकॉल में घूम रहे थे और मैंने अली जफर साहब को कहा कि इमरान खान को अटक जेल में कम अज कम एक मैट्रेस ही पहुँचा दें, लेकिन उन्होंने पहले मेरी कॉल्स नहीं सुनी और फिर मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। बड़ा इस्तीफा, वजह क्या बनी, क्या होने जा रहा है? हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि मौजूदा कौमी असेंबली की उम्र अभी 6 माह भी नहीं हुई, लेकिन इस कौमी असेंबली के एक अहम रुकन सरदार अख्तर मैंगल ने आज अपनी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। वो अपनी पार्टी के सदर भी है, उन्होंने ये इस्तीफा क्यूँ दिया है इस पर पूरे मुल्क में बहस हो रही है। हामिद मीर ने कहा की अभी सिर्फ चंद दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्वेटा में एक आला सतही इजलास की सदारत की थी और उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी कि जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को नहीं मानते उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन अख्तर मैंगल तो हमेशा से पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और इसी आइन के तहत हल्फ उठाकर बार बार वो कौमी असेंबली का रुकन मुंतखब होते रहे हैं और तो और वो सूबे बलोचिस्तान के वजीर आला भी रहे हैं, लेकिन क्या वजह है जो उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया हालांकि वो आइन को मानते हैं। खुफिया तौर पर बहुत संजीदा मुजाकरात हो रहे हैं, काशिफ अब्बासी ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी का कहना था आजकल सियासत में मुजाकरात की बाजगश तो चल रही है, क्या मुजाकरात होंगे या नहीं इस पर बड़ी मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आती है। काशिफ अब्बासी ने कहा की हुकूमत कहती है हम मुजाकरात नहीं करेंगे, अपोजिशन कहती है हम हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आता है की हमारी पोजिशन नहीं बदली, पीटीआई के साथ बातचीत नहीं होगी, लेकिन फिर पता चलता है की खामोशी कहीं ना कहीं मुजाकरात हुकूमत के साथ हो भी रहे हैं जो कि कैमरे की आंख से दूर हैं, जिसमें बातचीत हो रही है, बहुत सीरियस बातचीत हो रही है, मामलात आगे बढ़ते हैं, हल होते हैं या नहीं होते ये एक अलहदा बहस है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई इस वक्त हुकूमत के साथ बातचीत जरूर कर रहे हैं। पीटीआई का 8 सितंबर का जलसा, हुकूमत क्या खतरनाक काम करने जा रही है, काशिफ अब्बासी के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी काशिफ अब्बासी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने सेनेट में एक मुसविदा पेश किया जिसके मुताबिक अगर इस्लामाबाद में इजाजत के बगैर कोई एहतजाज करेगा तो उसको 3 साल कैद की सजा दी जाएगी और अगर दूसरी मरतबा बगैर इजाजत के एहतजाज करेगा तो सजा 10 साल होगी। काशिफ अब्बासी ने कहा कि आखिर ये मुस्लिम लीग नून चाहती क्या है, मेरी तो ख्वाहिश और दरख्वास्त है कि ये जो भी इस तरह के कानून लाना चाहे या जो भी इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहे, बेशक वो पीटीआई हो या मुस्लिम लीग नून हो, इस कानून का इतलाक उस पर जरूर होना चाहिए। फर्ज करें अगर ये कानून बन जाता है तो इसका इतलाक मुस्लिम लीग नून पर जरूर होना चाहिए ताकि उनको एहसास हो कि अक्ल भी कोई चीज होती है। हमारे मुल्क में हर चीज मौजूद है, बस अक्ल और जमहूरियत हमारे अंदर नहीं है। हम सब एक फस्ताई कुव्वत है, जो हुकूमत में आता है वो इस तरह के काम शुरू कर देता है। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, नदीम मलिक ने बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक का कहना था कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी किया गया है, हमारा तासुर ये है कि उसका मुखातिब सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है जनरल फैज हमीद। उनके ऊपर 2 बड़े केसेस बनाए गए थे, एक टॉप सिटी और दूसरा रिटायरमेंट के बाद जो उनकी सरगर्मियाँ थी, वो उनके ऊपर एक चार्जशीट है और हमारा ख्याल ये है कि वो 9 मई का केस है और जिन लोगों से भी हमारी बात हुई उनसे तस्दीक हुई कि वो 9 मई का ही केस है, जिसकी वजह से जनरल फैज हमीद मुश्किल में हैं।
फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई में चार ग्रुप बन चुके हैं। पीटीआई वाले सियासी जमातों से बात करना नहीं चाहते, वो बार बार एस्टेब्लिशमेंट को आवाजें लगाते हैं। उनके नजदीक सियासी जमातों की वक़्त नहीं। मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात में शामिल होना चाहती हो। नवाज शरीफ ने मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं की जैसा तासुर दिया जा रहा है। इमरान खान के पास जेल में कौन सा फोन है? ख्वाजा आसिफ ने हैरान कुन दावा कर दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में 9 मई के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सीसीटीवी फुटेज में तमाम शवाहिद मौजूद हैं और कैमरों में शक्लें महफूज हैं। बानी पीटिया इमरान खान को कौन सी फुटेज चाहिए? सारे किरदार कैमरों में बंद हैं। ये कह रहे थे कि आज हमारी फतह का दिन है और हम इक्तदार में आ जाएंगे।